तो हे गाइस, दिस इज भाई प्रणाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो फ्रेंड्स, आज का सीन ये है कि आज क्रीमिया में सिम्फरोपोल में कई सारे हाईएस्ट पॉइंट हैं जहाँ से पूरी सिम्फरोपोल सिटी दिखती है उन पॉइंट से। तो आज उनमें से किसी एक पॉइंट पे हम जा रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त और मैं। तो जो वहाँ रात का जो सनसेट का जो व्यू होता है काफ़ी ज़्यादा सही होता है। राइट नाउ इट्स 6 PM और हमें आधा घंटा लगेगा वहाँ जाने में, और दिखाता हूँ तुम्हें वहाँ पहुँच के व्यू कैसा कैसा है और जाना कैसे कैसे है। उसकी जो लोकेशन होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम यहाँ पे आने के बाद कहीं घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो वो पॉइंट भी, सो यू गाइस कैन ऑल्सो गो देयर। और चलो बस ज़्यादा क्या दिखाऊँ, तो बस दिखाता हूँ मैं कि कैसे कैसे जाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल येट देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। तो भाई लोग, जो आज की हमारी सवारी है पॉइंट जाने की वो है ये वाली, और इसका एक ऐप है सीगल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड्रॉयड और iOS दोनों का, iOS का। सो तुम्हें बस उसमें पे करके जाना होता है। 4 रुपये लगते हैं 1 मिनट के, और 30 रुपये लगेंगे तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए स्कूटर, और काफ़ी सही चीज़ है। और अगर तुम नए न्यू यूज़र हो तो एक लिंक आता है न्यू स्कूटर करके, लिंक भी सॉरी एक जो कोड है न्यू स्कूटर वो तुम डालोगे तो तुम्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके, 100 रुपल्स। तो हाँ, अपने कार्ड से पेमेंट करनी होती है, तुम्हें कार्ड जो अपना यहाँ लोकल बैंक का होगा तुम्हारा यहाँ पे, तो उसके थ्रू तुम पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ तुम्हें लड़की जो मतलब कि हैंडल करने वाले होते हैं, या इस टाइम लड़की है, कोई कभी कभी लड़का भी होता है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा कैसे ऑन एक्टिवेट करना है कैसे नहीं। तो सही चीज़ है, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए अच्छी चीज़ है। तो आज की इसी सवारी में हम जाएंगे ऊपर, तो स्टे कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, शी इज स्वेतलाना एंड शी इज़ मैनेजिंग हेयर। और अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए इसको एक्टिवेट करने की तो तुम इसे आगे डायरेक्ट आके पूछ सकते हो। 20 का जुदा का कहता ना था कुछ पोलूज चाहे थे कारण दादा एक्टिवेट था, सो यू कैन कम हेयर एंड यू कैन आस्क हर डायरेक्टली एंड शी विल हेल्प यू। और सही चीज़ है वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए, तो स्टे कनेक्टेड। टाइम हो गया है शाम के 7:30, 7:30 PM, और ये हमने पार्क कर दी यहाँ पे। और यहाँ पे पार्क करने का सिस्टम क्या है कि तुम्हें पहले बता दूँ, 1 घंटा लग गया हमको यहाँ पे आने में, हार्डली 20-25 मिनट का रास्ता है यहाँ पे, लेकिन इसके चक्कर में हम घूमते घूमते आए और 1 घंटा लग गया। और ऐसा भी नहीं कि हर जगह लेके जा सकते हैं, कई कई रास्तों में चढ़ाना में इसको मुश्किल होती है, और इसी चक्कर में वीडियो शूट नहीं कर पाया। कैमरा मैं लेके आया था अपना छोटा वाला, ताकि उसके हैंडल पर टांग सकूँ, लेकिन उसका माउंट फिट नहीं करा इसके हैंडल पर। तो अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जैसे ये गाड़ी में तुम्हें दिख रहा है कि इसी तरीके से ये पार्क करनी होती है यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर जाएंगे सीधा। 1 किलोमीटर का जो है वो ट्रैक है जाने का ऊपर, तो पहुँचते हैं ऊपर, देखते हैं। लाइट तो अभी है ऊपर, शायद ऊंचाई में थोड़ी अभी सनलाइट होगी, और अगर सनसेट नहीं दिखता तो तुम्हें नाइट व्यू दिखा देंगे सिम्फरोपोल शहर का ऊपर से कह सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग को जाना है इस पॉइंट चीज़ का ऊपर, और 2 किलोमीटर का, मैंने पहले बोला 1 किलोमीटर का, लेकिन नहीं, 2 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से पैदल जाने का। तो अब जाएंगे ऊपर, जो अब लाइट है वो कम होने लग पड़ी है, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं कब तक नहीं, और तुम्हें दिखाता हूँ ऊपर का व्यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और तुम देख सकते हो पीछे का व्यू, अभी काफ़ी ऊपर जाना है, कई सारे रशियंस भी आते हैं यहाँ पे, भी अंधेरा हो गया है, तो अंधेरे में लोग कम आते हैं, इसको तंदूर वगैरह शिजली वगैरह करनी होती है वही लोग यहाँ पे आते हैं। पर तुम लाइट्स में, ये पीछे जो कैमरे में लाइट पड़ रही है मेरे हिसाब से काफ़ी सही लग रही होगी, इस पॉइंट से पूरा सिम्फरोपोल का जो व्यू आता है वो दिख जाएगा तुम लोगों को। तो आगे जाके तुमको दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर जाना है, आगे का फ्रंट तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, देखो। तो फ्रेंड, मेरे पीछे देख सकते हो ये है पूरा सिम्फरोपोल, ठीक है। और वैसे इस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, इसके आगे है खाई, और इसके ऊपर भी है, अभी देखो जैसे हमें और ऊपर जाना है,
ये पूरी चढ़ाई चढ़ाई है। और इस साइड से देखो तुम, ये पूरा सिंफरोल शहर है। ये भी वन ऑफ द पॉइंट है, सिंफरोल का हाईएस्ट पॉइंट है, तो बेहतरीन मैं बोलूँ। अब दिन में आने का भी अलग मज़ा है, रात को आने का भी अलग मज़ा है। कई सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे और टाइम स्पेंड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक जूस चिप्स वगैरह लेके आते हैं, एक छोटे टाइम काइंड ऑफ पिकनिक हो जाती है। स्टूडेंट्स कई सारे मिल के आते हैं यहाँ पे। तो हाँ, एक बार तुमको दिखाता हूँ, फिर से बैक करके देखना मेरे। और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये जो तुम जगह देख रहे हो मेरे पीछे, ये है याल्टा, ये याल्टा है। और तुम बहुत सही, और तुम इस टाइम ऊपर की लाइट दिख रही हो कि नहीं, सही लग रही है यहाँ से, बेहतरीन माहौल है एकदम यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हल्की सी आउटिंग फ्रेंड्स के साथ। और अगर मैं बोलूँ तो बहुत सही जगह है। अभी तुम्हारे पीछे है, ये सिंफरोल सिटी है, यहाँ से तुम ऊपर भी जा सकते हो बैठने के लिए। पर जहाँ इस साइड हम बैठे हैं इस वक्त, वो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ से। और तुम चाहो तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, जो तुम्हें पसंद है वो यहाँ पर लेके आओ, आराम से खाओ। और यहाँ पर कूड़ा मत फैलाओ, यहाँ पर नहीं, कहीं भी अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो इंडिया में कहीं पर भी, तो वहाँ पर गंद मत फैलाओ, लिफाफा लेके जाओ, उसमें ही पॉलीथीन में सारा अपने जो गार्बेज है, जो भी रेसिडुअल वेस्ट है वो तुम उसमें डालो, और जहाँ तुम्हें डस्टबिन मिले वहाँ फेंक दो। और हाँ, अगर तुम्हें वीकेंड में कोई बाहर जाने का मन है और तुम्हें दूर पार नहीं जा सकते, यहाँ पे आने के लिए तुम्हें कोई खर्चा भी नहीं है। ऐसे अगर तुम ऐसी जिसमें जिस राइड में हम आए स्कूटर पे, वो महंगा है भाई, उस पर एक बार के लिए अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो तुम उसमें आ सकते हो, अदरवाइज़ बस में भी आ सकते हो। 4 नंबर बस जाती है, ये लिखा हुआ आ रहा है, 4 नंबर बस तुम्हें मिल जाएगी जहाँ से तुम रीनक की बस पकड़ते हो वहाँ से। और इस एरिया की जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और मैं तुम्हें दिखाऊँगा सिनेमेटिक शॉट पीछे का कैसा लग रहा है कैसे नहीं। और हाँ, बट ट्रस्ट मी, आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस फॉर श्योर। और हाँ, अब फ्रेंड्स मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक तुम सिनेमेटिक शॉट डालो और देखो, सॉरी, और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।